नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करते हैं, आप घर बैठे फिस्टुला को कैसे पहचान सकते हैं। नॉर्मली जब आपको कहीं भी मेल द्वार में दर्द होता है तो आपको उसको चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है, लेकिन कुछ ऐसी सिम्टम होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे जो है आप बिना डॉक्टर के पास जाए भी जो है उसको पहचान सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। बॉडी आपकी है दोस्तों, और आपकी बॉडी को आपसे बेहतर जो है डॉक्टर भी नहीं जानता है। डॉक्टर भी जो है अलग अलग बॉडी के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट देता है। तो इसलिए ये समझना कि मैं जो है इस बीमारी को नहीं पहचान पाऊंगा, मुझे डॉक्टर के पास ही जाना होगा, बिल्कुल गलत है। ऐसा सोचना ही जो है एक बीमारी के ही लक्षण होते हैं। तो दोस्तों बात करूंगा कि फिस्टुला जो है, सबसे पहले अगर जो नए नए जुड़े हैं उनको नहीं पता तो उनके बारे में फिस्टुला क्या होता है वो बता दूंगा, और बाद में आपको बता देंगे कि आपके जो हैं क्या सिम्टम होते हैं जो आपको जो है ध्यान में रखने चाहिए और आपको जो है घर बैठे पता लग सकता है। देखिए दोस्तों, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता दूं कि फिस्टुला जो होता है ये एक आपके एनस एरिया का रोग है, आपके मल द्वार के आसपास का जो है रोग होता है। इसमें होता यह है कि आपकी बॉडी के अंदर अनगिनत करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर मल द्वार के अंदर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जो आंतें होती हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। किसी कारणवश इन बैक्टीरिया के संतुलन में जो गड़बड़ हो जाता है जिसकी वजह से बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और आपके मल द्वार के आसपास वो जो हैं इन्फेक्शन करने लगते हैं। वो बेसिकली करते क्या हैं कि आपकी मल द्वार के अंदर की जो केनाल होती हैं जहाँ से मल आता है वहाँ से जो एक छोटी सी सुरंग बनाना चालू करते हैं, और धीरे 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 ये सुरंग जो है आपके जो मल द्वार का जो मेन जो ओपनिंग होती है बाहर की वहाँ पे जुला के जो सुरंग जो खोल देते हैं, और वहाँ पे जो है एक छोटी सी फुंसी हो जाती है। वो फुंसी जो है छोटी भी हो सकती हैं, आकार में थोड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, साथ ही साथ उसमें रेडनेस हो जाती है आसपास और उसमें मवाद भी बढ़ जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक तो कारण ये कहा जाता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है आपके बैड बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से आपको जो है एनल फिस्टुला हो जाता है। एक कारण और भी है दोस्तों कि बाहरी बैक्टीरिया जो है अगर आपके एनस के संपर्क में आ जाता है तो बाहरी बैक्टीरिया भी जो है वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कर सकते हैं, और वो भी जो है सुरंग बना के जो है आपके वो फिस्टुला का जो है ट्रैक बना सकते हैं। आपके मल द्वार के अंदर की केनाल जो होती हैं वहाँ से स्टार्ट होके आपके मल द्वार का जो ओपनिंग होता है जहाँ से मल निकलता है वहाँ के आसपास जो है एक फुंसी हो जाती है, और वो फुंसी जो है ठीक ही नहीं होती है। वो फुंसी जो है उसमें से मवाद बढ़ता रहता है, बहुत ज़्यादा आपको तेज़ दर्द होता है, आपको बैठने में दिक्कत होती है, आपको जो है चलने में दिक्कत होती है, आपको शौच करने में दिक्कत होती है, मतलब कुल मिला के आपकी लाइफ स्टाइल जो है एकदम नॉर्मल नहीं रहती है, उसमें आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये होता है दोस्तों फिस्टुला। फिशर और बवासीर के बारे में पहले से ही बता चुका हूँ, तो मल द्वार के अंदर होने वाला दर्द हमेशा बवासीर नहीं होता है। बहुत से लोगों के मन में यही होता है कि मल द्वार के अंदर मेरे दर्द हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे पाइल्स हो गया होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है, आपको उसका प्रॉपर जो है एग्जामिन करना चाहिए। अब बात करता हूँ कि आप फिस्टुला को जो है पहचान कैसे सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आपको मल द्वार के अंदर से लेके मल द्वार का जो ओपनिंग होता है वहाँ तक जो है एक सुरंग बन जाती है, तो इस सुरंग में से क्या है एक तो मवाद गिरता रहता है। सबसे आसान तरीका तो यही है कि मल द्वार के आसपास अगर ऐसा फोड़ा हो रहा है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, मतलब 15-20 दिन तक उसमें से मवाद गिरता है, उसके बाद थोड़ा सा सूख जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन 5-10 दिन के बाद जो है वापस वो हो जाता है, तो सबसे आसान तरीका जो फिस्टुला का पहचानने का यही है कि मल द्वार के आसपास का ऐसा फुंसी या फोड़ा जो ठीक नहीं हो रहा हो और बार बार जो है ठीक हो रहा हो, वापस जो है बन जा रहा हो, ठीक हो रहा हो, बन जा रहा हो, इस प्रकार का प्रोसेस चलता रहता है, तो उसको जो है आपको प्रॉपर एग्जामिन करना चाहिए, और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो फिस्टुला है। बाकी तो दोस्तों घर बैठने में सबसे आसान तरीका तो यही है, बाकी आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके पास तो बहुत सारे जो है तरीके होते हैं एग्जामिन करने के, वो जो एग्जामिन कर लेते हैं, लेकिन घर बैठे मैं अगर आपको बताऊं तो यही सबसे अच्छा तरीका है कि फोड़ा आपके ठीक नहीं हो रहा हो तो वो जो है साइज मैटर नहीं करता है, साइज छोटा हो या बड़ा, अगर फोड़ा आपके मल द्वार के आसपास हो गया हो, वो ठीक नहीं हो रहा हो, तो आप जो है बार बार जो है उसमें पस भर रहा हो निकल रहा हो, पस भर रहा हो निकल रहा हो, उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि फिस्टुला के अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है, उसके अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि
फोड़ा जो होता है ठीक नहीं हो रहा है वो फिस्टुला है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।